Good evening everyone, welcome back to another new arena lifestyle vlog. सो गाइज, आज का व्लॉग जो मेरा के पिकनिक का पार्ट टू व्लॉग है वो मैंने आपको आज रेडी बड़ी मुश्किल से हुआ है, क्योंकि मैंने उस पर काफ़ी सर्च करनी थी, काफ़ी कुछ मैंने आपको नया आगे बताना था कि हम लोग किसी और जगह पे भी गए जहाँ पे हमने बड़ा ही इन्जॉय किया, जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा मिला, क्योंकि हमें वाकई कुछ नहीं पता था. हमें फार्म हाउस जाने से पहले इतना हमें पता नहीं था, जिस वजह से. लेकिन यह है कि हमें जितनी सा पॉइंट वो मिला ना देखने का, इतनी वो खूबसूरत जगह, इतना हमें अच्छा लगा कि हमारा तो दिल था कि ये वाली पिकनिक जो फार्म हाउस पे आई है ये हमें यहाँ लेके आते तो क्या मज़ा होता. लेकिन खैर, पिकनिक पे यहाँ पे फार्म हाउस पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया सबके साथ. और वेदर बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, पूरा दिन बच्चे पूल में नहाते रहे, बल्कि बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. और यहाँ पे बच्चे जो छोटे वाले पूल में, उन्होंने ऑलरेडी इंजॉय कर लिया है, जो कि पहले मेरी पार्ट वन में, व्लॉग के पार्ट वन में आप लोगों ने वॉच कर चुके हैं. तो आज मैं आपको एक और बहुत अच्छी जगह दिखाने वाली हूँ, जिस पे बड़ी माजरत के साथ मैंने पूरा व्लॉग तो नहीं बनाया, लेकिन ये है कि मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए थे, वो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ. तो गाइज, मैंने वो, मुझे तो कलरी झील और कंजीर झील ऐसे करके कुछ नाम थे, मुझे नाम भी ठीक से नहीं आ रहे, जो आगे मैं आपको दिखाती हूँ. बड़ा ज़बरदस्त हमें लगा, बहुत मज़ा आया वहाँ जाके. यहाँ पे जो इंजॉय कर लिया, लेकिन हमें वहाँ जाके भी बहुत मज़ा आया. हमेशा डिफरेंट हमें जगह पे जाना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उस वजह से हमें फार्म हाउस ही जाते हैं. तो हमें चाहिए वैसे कि हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे जा के अपने पूरे पाकिस्तान की, जहाँ पूरे पाकिस्तान के कराची में इतना कुछ देखने को है. तो मैंने, हम लोगों को अचानक उन्होंने जब बोला कि जाते जाते अगर आप बोलें तो हम आपको वो दिखा देते हैं, तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं है, चलें देखते हैं. तो गाइज, यहाँ पे सब अपना इंजॉय कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था. बाकी ये है कि हमारे साथ सब छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े बच्चे नहीं थे, सबके छोटे बच्चे थे. तो उनके लिए फार्म हाउस बहुत ज़बरदस्त जगह है. मैं ये नहीं कहती हूँ कि फार्म हाउस बुरी जगह है, और जो हमने नई जगह देख ली है वो हमें बड़ी पसंद आ गई, लेकिन छोटे बच्चों के हिसाब से ऐसी जगह बहुत बेस्ट होती है. रूम्स होते हैं वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन यहाँ फार्म हाउस का एक अलग मज़ा होता है. और जो पिकनिक पॉइंट्स दूसरे हैं, जहाँ पर झील वगैरह है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ. बस मैं, बड़ी मुझसे गलती होगी कि मैंने प्रॉपर वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं नेक्स्ट हम वहाँ जाके अपनी वीडियो बनाएं जब भी पिकनिक हो. तो यहाँ पे बच्चे सब इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आया हमें. और यहाँ पे जी शाइन को मैंने उठाया हुआ था, जो पूरे पिकनिक में मुझे चिपकी रहती है हर जगह. और लेकिन ये फर्स्ट पिकनिक थी जहाँ पे शाइन आके बहुत ज़्यादा खुश हुई. और यहाँ पे हमने छोटे छोटे अपने भी क्लिप्स बना लिए, जो कि उनको लगा पिक्चर बना रही हैं, लेकिन मैं बना रही थी जी वीडियो. तो यहाँ पे शिवोन आ गई. शिवो, आपका बटरफ्लाई इतना अच्छा लग रहा है, बैक करो. शिवे, आप यहाँ हाथ थोड़े ड्राई करके ना ऐसे ऐसे करो, मेरी भी बनाओ. वो भी करो. भाई, ये आजकल की पता नहीं ये कौन कौन से आ गई है, अजीब तरीके से बात कर. हेलो दोस्तों, शाइन पिकनिक पे आई हुई है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं. हमें इतनी अच्छी ये ग्रीनरी और ये सब व्यू और ये वेदर इतना एकदम से चेंज हुआ है, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है. ये ना हो कि बारिश हो जाए, है ना. और सब नहा रहे हैं अभी तक, जब से आए हैं
और कुछ छोटे छोटे बच्चे झूले ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे झूले ले रहे हैं और शाइन भी यहाँ पे झूला ले रही है। झूला दे दो शाइन को, झूला दे दो शाइन को। वैसे सभी ले लेके जा रहे हैं, कोई नहीं गिर रहा, मुझे भी लग रहा था। बस सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है और अभी बस वापस जाने का हो रहा है। हेलो गाइस, और यहाँ पे सब अपना अपना बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे सॉन्ग्स लगे हुए थे जो कि कॉपीराइट का मसला आ जाना था, और माजरत चाहती हूँ अगर मेरा कोई भी क्लिप दोबारा से ऐड हो गया हो तो। हम लोग अभी जाएंगे जी केंजर झील का नज़ारा देखने, और हमें कैसा लगता है भाई ने बोला कि आप लोगों को यहाँ से ज़्यादा वहाँ मज़ा आएगा, तो अभी सब बस जाने की तैयारी कर रहे हैं और मिलते हैं वहाँ जाके। सो वेलकम बैक जी गाइस, जो उस प्लेस की मैं बात कर रही थी, वाह इस प्लेस के क्या ही नज़ारे हैं यार, हम आपको क्या बताएं। फ़र्स्ट टाइम केंजर झील का हमने नज़ारा किया, जो हमें सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा मिला कि हम बस यहाँ पे अपनी पिक्चर्स वगैरह बना लें, क्योंकि हमारे यहाँ का कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन भाई वहाँ के जो हमारे साथ भाई थे उन्होंने बोला आप लोगों को नेक्स्ट पिकनिक जो होगी ना हम यहाँ ज़रूर करेंगे, क्योंकि वाकई में क्या प्लेस है, हम आपको बयान नहीं कर सकते लफ्ज़ों में कि हमें इतना इंजॉय हमने फार्म हाउस में नहीं किया जितना आधे घंटे में। पूरा दिन जो इंजॉयमेंट थी वो थी, लेकिन आधे घंटे में इतना फ्रेश फील हुआ, इतना अच्छा वेदर हुआ यहाँ पे। बल्कि मैं कम वीडियो बनाए, कम क्लिप्स बनाए, जस्ट बस हमें, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। केंजर झील ने हमें क्या हमारा मूड सेट किया हम आपको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग जो है केंजर झील पर आने वाला है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।